वाराणसी, वो जगह जहाँ देयर वर 72,000 श्राइन्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जहाँ हर मोड़ पर आपको भगवान के दर्शन हो ही जाएंगे। तो चलिए वाराणसी के कुछ मस्ट विजिट टेम्पल्स में चलते हैं। काशी में आपका स्वागत। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी काशी, और ये है भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। काशी विश्वनाथ मंदिर डिटेल में देखने के लिए आप मेरा सेकंड व्लॉग देख सकते हैं। काशी शहर को हजारों साल पहले एक यंत्र के जैसे, एक इंस्ट्रूमेंट के जैसे बनाया गया था, ताकि हम अपने एक लेवल ऊपर, स्पिरिचुअल लेवल पर जा सकें। मॉर्निंग टू एवरीवन। आई एम गोइंग टू संकट मोचन, हनुमान मंदिर, दुर्गा कुंड, मानस मंदिर। तो आज आप लोगों को ये सारे मंदिर दिखाती हूँ। सो आई हैव रीच्ड द दुर्गा मंदिर। यहाँ पर कहते हैं कि दुर्गा कुंड है। ये है वो दुर्गा कुंड जो पहले गंगा नदी से लिंक्ड था। इस मंदिर की उत्पत्ति का वर्णन भागवत पुराण में अध्याय 23 में है, तो आप वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। दिस इज़ द टेम्पल, आई विल शो यू। अंदर बिल्कुल जो मूर्ति है वहाँ की पिक्चर्स लेना अलाउड नहीं है, तो मैं आपको उसके अराउंड का सब कुछ दिखा देती हूँ। सो लेट्स गो इनसाइड एंड डू द पूजा। इस मंदिर में माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की भी मूर्ति है, और मंदिर परिसर में हवन और अन्य मांगलिक कार्य होते हैं। मंदिर में घुसते ही जो फर्स्ट थिंग है, आप ये परिसर देखते हैं। सो इस परिसर में राधा कृष्ण मंदिर है, जलेश्वर महादेव मंदिर है। काशी में जो मेन मंदिर है उनमें से आधे जो हैं वो शक्ति को डेडिकेटेड है और आधे शिव को। जैसे कि हमारी बॉडी आधी फेमिनिन आधी मैस्कुलिन होती है, उसी तरीके से जैसे नाड़ीज डिवाइडेड होती है, उसी तरीके से हाफ हाफ अर्ध नारीश्वर आपने सुना होगा, उस हिसाब से है। तो हाफ ऑफ द मेन टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू शक्ति एंड हाफ फॉर द शिव। सो दिस इज द एंट्रेंस टू द टेम्पल, दैट्स द मेन टेम्पल। Hi guys, so I have arrived at Sankat Mochan Hanuman Mandir. कहा जाता है कि ये मंदिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने बनवाया था, और ये उस जगह पे बनवाया गया है जहाँ पर उन्होंने पहली बार हनुमान जी के दर्शन किए थे। तो ये वो मंदिर है। एक और बात है, यहाँ 2006 में आतंकी हमला भी हुआ था। हाँ, उस टाइम पर आरती चल रही थी, लेकिन अगले दिन से जो बाकी चीज़ें हैं, जो भी जो भक्त थे उन्होंने आना ऐसा कम नहीं किया। इट वेंट ऑन। बाहर के साइड एक पुलिस चौकी है, वो लगा दी गई है। उसको इनसाइड, मैं अंदर फ़ोन तो नहीं लेके जा पाऊँगी, लेकिन यू मस्ट कम हियर, यू मस्ट विजिट हियर। यहाँ लॉकर फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जहाँ आप मोबाइल फ़ोन्स एंड अदर बिलोंगिंग्स भी सबमिट कर सकते हैं। अंदर एक तरफ हनुमान जी की मूर्ति है, और ठीक सामने श्री राम, लक्ष्मण और माँ सीता की मूर्ति है। बीच में एक बड़ा स्पेस है जहाँ बैठकर आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन हो गए हनुमान जी के, श्री राम के दर्शन हो गए, जो भी है आप यहीं से देख लीजिए। हर जगह यहाँ पे लॉकर फैसिलिटी है। मंदिर में मैं गई, पाठ किया, काफ़ी देर तक अंदर बैठी रही, और अंदर भी बहुत ही सुंदर है, पार्क जैसा बना हुआ है, इट्स वेरी गुड। सो यू मस्ट विजिट द टेम्पल व्हेन यू कम हियर, दिस इज संकट मोचन हनुमान मंदिर। त्रिदेव मंदिर, द टेम्पल ऑफ थ्री गॉड्स। ये मंदिर माँ सती, खाटू श्याम जी और सालासर हनुमान जी को डेडिकेटेड है। अंदर गणेश भगवान, श्री राम, सीता, लक्ष्मण, राधा कृष्ण और भगवान शिव पार्वती की भी पूजा की जाती है।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य मंदिर है ये। अंदर जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है वो ये है कि श्री रामचरितमानस शुरू से लेकर अंत तक पूरी दीवारों पर लिखी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक। बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, एवरीथिंग। ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर वो समाप्त है। फर्स्ट फ्लोर पर एक अंदर झांकी के जैसे एक और लीला दिखाने के लिए बनाया हुआ है। इट्स अ वेरी गुड टेम्पल, यू शुड डेफिनेटली विजिट हियर। बहुत ही अच्छा स्पेस और एरिया है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस की रचना की थी। मंदिर की दीवारों पर चारों तरफ अयोध्या कांड, बाल कांड, इधर अयोध्या कांड, इस साइड बाल कांड, सब कुछ लिखा हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है पढ़कर। ये देखिए यहाँ पर अयोध्या कांड, उधर से पूरा अयोध्या कांड है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर गंगा द्वार के बाहर ललिता घाट पर स्थित है। इस मंदिर को नेपाल के राजा ने वुडन काठमांडू स्टाइल में बनवाया था और ये काठमांडू के पशुपतिनाथ टेम्पल जैसा ही दिखता है। इट स्टैंड्स फॉर नेपाल इंडिया यूनिटी। मंदिरों के लिए प्रसिद्ध वाराणसी के और भी प्रसिद्ध मंदिर अब नेक्स्ट वीडियो में।